हमारे बीच में हमारी दीदी नहीं है, फिर भी हम लोग इस चीज को भूल नहीं पा रहे हैं कि और भी तो बेटियां हैं देश में, क्या बेटी नहीं है? मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, बस उनका बोलना है, उन किताबों में और टीवी पर नहीं, सुनने में ही उनके अच्छे लगते हैं भाषण के, हाँ मोदी जी बोल रहे हैं बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, मगर जब बचेंगी तब ना पढ़ाएंगे हम लोगों ने? योगी जी और मोदी जी से मेरी एक ही विनती है कि जो अब जो रावण राज चल रहा है इसे ख़त्म करके, ये तो बोलते हैं कि राम राज राम राम करो राम राज, मगर ये राम राज आएगा कब, कौन लेके आएगा इसे तो बताओ है? कि कोई हनुमान बन रहे हैं, कोई राम बन रहे हैं, तो वो बनने की दिखावा मत करो, मगर उसकी उनकी उस पे अमल तो करो। It's been 1 year since the gang rape and murder of a Dalit girl in Hathras. We met her parents, who spoke to us about their lives and why they continue to fight this case. पिछले साल इस समय के बारे में जब आप सोचते हैं, पहले अंकल आप बता सकते हैं कि आपको क्या याद आता है? हमें तो वो बेटी याद आती है। हमें तो मैं हर समय ही याद आती रहती है, क्योंकि बेटी हमारी, दुनिया की बेटी घूम रही है फिर रही है, हमारी तो हती ना है सामने, तो हमें तो वो तो हर समय याद आती है। आंटी आपको क्या याद आती है उस समय के बारे में? मेरे साथ सोती, खाना खाती, कोई याद आती है बेटी? इस साल आपके लिए मतलब कैसा रहा है? हमारी जिंदगी जो है वो तो उजड़ी है सर, क्योंकि अब तो इतने संघर्ष भरी जिंदगी, क्योंकि हम लोग रोज लाने वाले, रोज खाने वाले अपने ऐसे बंधन में बंध गए कि मतलब कोई सोच विचार ही नहीं है हमारे मन में, क्या करें? बच्चा घर बैठे, कहीं आ रहे नहीं है, कहीं जा रहे नहीं है, घर का कैसे खर्चा चले? और अभी जब आप कभी कभी न्यूज देखते हैं और लोग बोलते हैं कि ये, कुछ लोग बोलते हैं कि ये ऑनर किलिंग है, समान हत्या जब लोग बोलते हैं, तो आप क्या सोचते हो? अब एक और बात है साहब, कि क्या कहते, किसी का मुंह तो पकड़ा नहीं जाता है, जो सच्चाई है वो क्या कहते सीबीआई ने निकाल के दी है सबको सामने, और ये फोर्स रुकी है जैसे सीआरपीएफ। अब ऑनर किलिंग का मामला होता तो ये सीआरपीएफ सरकार क्यों देती है? हम क्या बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते, काव को मौत पकड़ नहीं जाएगा। मतलब जैसे लोग ये भी बोलते हैं कि जब घटना पहली बार हुआ था उसके बाद आपने कभी तुरंत बोला नहीं कि ये बलात्कार है? जब बेटी ने बताई जब भी तो बोलेंगे, ऐसे कैसे बोलेंगे, बताई बेटी ने जब, फिर हमने सबको बताया। आपने लड़ाई करने की डिसीशन लिया, ये केस लड़ने का डिसीशन लिया, पर आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ा है? हमने तो अपनी सच्चाई के ऊपर लड़ना स्वीकार किया है। मैंने कि हमारी जो गरीबी का जो लोग खिलवाड़ करते हैं, तो इसलिए हमने अपना प्रण कर लिया, बोला कि सच्चाई के लिए कहीं तक तो हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, हर एक आदमी मतलब दबा के धमका के कैसे भी कह के तो हम लोगों को नीचे ही रखना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि अब ये बेटी है, कम से कम इन लोगों ने मारी है तो कम से कम उसका लड़ने लड़ने का हमें अधिकार तो है, तो हमने तो वही चीज़ करी है जो सच्चाई है वो। पिछली बार जब हमने आपको मिले थे पिछले साल, आपने हॉस्पिटल में हाथ जोड़ के बोला था कि कहती है घर ले चलो पापा मुझे, और वो ये भी कहती है कि क्या कहते मुझे न्याय दिलवाओ। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने भारत के लोगों को कि मेरे संग खड़े होकर मुझे इंसाफ दिला। अब एक साल हुआ है, अब आप लोगों से क्या बोलना चाहते हैं? अब यही है, आप लोग सभी से क्या कहते हैं निवेदन है अपन, और क्या कहते हैं मतलब हमारे न्यायपालिका हैं, तो हम तो यही सोचते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, और न्याय के लिए हम लोग क्या कहते लड़ रहे हैं। उस समय इतना शोर मचा था, आपके पास योगी आदित्यनाथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात किया, आपको बोला था कि आपको घर मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, इस सब जब आप सोचते हो उनसे आप क्या बोलना चाहते हैं? हम यही बोलना
चाहते हैं कि हमें बेटी का न्याय चाहिए, और क्या कहते हैं हमारी जो सुरक्षा तो खैर लगी हुई है, क्योंकि आज हम इस दुनिया में जीवित है, अगर उस समय अगर सुरक्षा नहीं होती तो हो सकता हम नहीं होते, क्योंकि इतना माहौल ही ख़राब हो रखा था, यहाँ आसपास में मीटिंग हो रही थी। तो हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं जो कि CRPF हमें सुरक्षा के लिए मिली है। आप चाहते हो कि केस ट्रांसफ़र हो जाए? अब हम लोग चाहते तो हैं कि यहाँ से केस ट्रांसफ़र हो जाए तो थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो माहौल ही ऐसा ही है। और यहाँ के जो आसपास लोग रहते हैं वो आपसे बात करते हैं? नहीं, हम लोग उसे किसी से बात नहीं करते हैं। After speaking to her parents, we then sat down with her brother and sister-in-law, who told us more in depth about what their life has been like. जब आप इस साल के बारे में सोचते हैं, एक शब्द में आप कैसे डिस्क्राइब करोगे आपका ये इस साल कैसा रहा है? याद करने के लिए तो कुछ ऐसा हो चुका है अभी तो हम लोगों के जीवन में कि जी रहे हैं बस, और जी रहे हैं और उन्हें हर दिन याद कर रहे हैं। तो शायद हम लोगों के अंदर एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जब तक लोगों को सजा नहीं मिलेगी ना, तब तक शायद हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे वो तो पल भर में चली गई, उन्हें दो मिनट में ही नहीं लगने दिया, पुलिस वालों ने समेट के जला जुलू दिया, हुआ सब कुछ कर दिया, उन्हें ख़त्म कर दिया, देखने भी नहीं दिया। तो उस चीज़ को देख के ऐसा लगता है कि उनका तो सब कुछ एक मतलब एक दिन में ही सब कुछ ख़त्म कर दिया, मगर इन लोगों को एक साल लग रहा है, तो शायद इसलिए लगाया जा रहा है कि ये लोग तब तक ये सब कुछ भूल जाएंगे, जब तक न्याय मिलेगा तब तक उतनी बातें इन्हें याद नहीं रहेंगी कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब माहौल एकदम शांत जैसा हो जाएगा, सब भूल चुकेंगे, मगर हम लोगों के अंदर से ये चीज़ भूली नहीं जा सकती है। हर दिन याद आती है, हर पल याद करते हैं, क्योंकि वो हमारे घर की बेटी थी, ये भी बात है बेटी भी थी, और फिर उनकी इतनी बुरी तरह से इन लोगों ने दुर्दशा की है ना, इस चीज़ को हर टाइम याद आती है कि हॉस्पिटल से लेकर पुलिस वालों से लेकर किसी ने इंसानियत नहीं दिखाई इसमें, कि कोई भी थोड़ा सा ये दिखाता कि ये भी किसी की बेटी है या बच्ची कुछ है। नहीं समझते तो अपनी बेटी समझ के हमें दिखा देते कि चले किसी की बेटी है उसको भाई दर्शन तो करा दीजिए, पर उनके दिमागों की कहीं पर रहम नहीं आया कि भाई किसी को उसको उनको दिखा दीजिए, बोला एकदम लोगों के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो चुकी। अब ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम इंसाफ दे रहे हैं, देखिए कोर्ट अदालत ये तो इंसान जाने के बाद में बस तारीखें मिलती है, कोर्ट केस में बस मुकदमा चलता रहता है, उसके बाद में इंसान तो वापस नहीं आता है, मगर एक हम लोग एक इस चीज़ पर डटे हुए हैं कि उनकी यादें ही हमारे लिए बहुत मजबूती दे रही हैं, हमारे केस को भी हम लोगों को भी बहुत हिम्मत दे रही हैं कि आगे किसी भी बेटी के साथ में ऐसा ना हो। इसलिए हमने प्रण कर लिया कि हम बहन के न्याय देने के लिए हम लोग सक्षम रहें आगे तक। अभी भी उनकी अस्थियां रखी हुई हैं, जब भी विसर्जन करेंगे जब उन्हें न्याय मिलेगा। और इस उस रात के बारे में जब आप सोचते हो जिस दिन बॉडी को जला दिया था, आपने कभी सोचा ऐसा होगा? हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ हमारे साथ ऐसा होगा। ये तो एक बहुत अलग ही तरह के उन्होंने माहौल बना दिया उन लोगों ने कि हमें तो अपनी बहन के मरने के बाद भी उनका एक चेहरा भी नहीं दिखने दिया, छू के भी नहीं दिखने दिया, वो आखिर वो हमारी बहन थी या नहीं थी ये भी नहीं हमें तो कोई जानकारी है अभी तक। तो हमें बहुत दुख होता है, बल्कि हमारा इंसान चला गया हमें कुछ उसके कुछ दिखाना तो चाहिए कि चेहरा कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ नहीं कराया गया प्रसार। और अगर आपको जैसे एक दिन में सब्जी खरीदना है, बारबर के पास जाना है, बाल कटवाना है, तो क्या करते हो आप, कैसे जाते हैं? हम तो CRPF से बोलते हैं कि सर हमें सब्जी वाला आता है गांव में, तो उसको बुला देते हैं साहब लोग कि बेटा सब्जी वब्जी के लिए, तो वो साहब जाते हैं हमारे साथ रोड पर, तो सब्जी जो लेने हम लेते चले आते हैं, वो भी हमारे साथ भी रहते हैं। अगर बारबर को बुलाना हो तो उनको बता देते हैं CRPF को सर बाल कटाने, तो वहाँ से वो भेज देते हैं बार बार को लेके आते हैं यहाँ पर कटाने काटने आता है वो। आपको लगता है कि कोर्ट के अंदर आप बात कर पा रहे हैं? देखिए कोर्ट के अंदर तो हमारे जो वकील हैं उनके साथ तो उन्होंने जो वकील की जो आरोप पर से वकील है उनके जो उनके वकील थे उन लोगों ने हमारे बहन वकील से बहुत अभद्रता से बात करी और गलत तरीके से उन्हें धमकी भी दी गई
और ऐसा लगा कि पता नहीं क्या इसमें अंदर लड़ाई होने वाली है। उन्हें दारू पी के घुस गए, उनके जो भी वकील है मैडम को उल्टा सीधा बोल लगे, अब इस हाथरस में आने की कोशिश करें, देखेंगे बताएंगे, जान से मारने की धमकी भी दी थी। बहुत लोग बोलते हैं जो इस केस के बारे में पढ़ते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ ये बलात्कार है पर ये कास्ट का इशू नहीं है, इसमें कास्ट का कोई कुछ लेना देना नहीं है। नहीं मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। हालांकि ये हमारी कास्ट से या हम लोगों से नहीं होके अगर यही कांड नगर लोगों के साथ हुआ होता, आरोपी पक्ष के किसी भी साथ हुआ होता, तो शायद की बात ये कोर्ट कचहरी तक मतलब मामला पहुंचता नहीं, ये यहीं शांत कर दिया जाता उस इंसान को जिन्होंने किया, उन्हें ढूंढ के मार दिया जाता और उनके अब तक मतलब कब्रिस्तान में सब सजावट कर दी होती। क्योंकि हम लोगों की इतनी हिम्मत समझो को कुछ भी समझो कि हम लोग इस चीज़ पर डटे हुए हैं कि इनसे हम लड़ नहीं सकेंगे, कि इन लोगों का इनके पैरों तक पहुंचना ही हमारा बहुत बड़ा वो है, क्योंकि इनके दिमाग तक तो हम लोग पहुंच ही नहीं सकेंगे। इनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, कल क्या करेंगे, आज क्या करना है, क्या कैसे करना है। तो यहाँ का माहौल ना कभी ठीक था ना होगा, नहीं हो सका है अभी तक। आप इस घटना से पहले आप मोदी जी या योगी जी को मानते थे, आप उन पे भरोसा करते थे, उनके बहुत हमने तो वोट भी दिया, उन्होंने हम तो बहुत मानते थे, बहुत मानते थे हम, ये हमारे नहीं मानते प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया हैं, इनको ऐसा कोई मंत्री नहीं अभी तक जो कि इतने बढ़िया तरह से वो बात करते हैं और सब कुछ वो कर रहे हैं। योगी जी कभी आके आपसे मिले हैं? नहीं मिले हमसे। अगर वो आए आपको थोड़ा अच्छा लगेगा? इस चीज़ को मैं बोलती हूँ उनके अब आने या ना आने से हम लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही चीज़ अगर वो आके उस दिन रात में जो हमारी दीदी की बॉडी जलाई थी उस चीज़ को रोक देते तो हम उन्हें बहुत अच्छे उसे समझते हैं, सम्मान करते उनका कि चलो इन्होंने एक बेटी की चलो जीते जी तो इज्जत नहीं की, मरने के बाद तो इज्जत की कम से कम, मगर उनकी सरकार ने उन्होंने सिस्टम ने उनके सब पूरा प्रशासन लग के हमारे ही घर में रह के और हमें ही को बंदी गृह बना के हमारे ही बच्चे के साथ में इतना गलत किया कि वो देखने सुनने और लोगों को विश्वास नहीं होता इस चीज़ पे, सोचते हैं कि अरे ये सब गलत है, मगर हमारे अंदर से एक ऐसा विश्वास उन्होंने ख़त्म कर दिया है कि ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं है, ये ना कोई मंत्री होता है ना कुछ होता है, बस एक हम लोगों के ऊपर में अपना वो जमाना है कि दबा के रखो, बस ये चीज़ रहेगी। अगर वो अभी आएंगे ना तब भी हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आओ चाहे मत आओ, क्योंकि हमारे घर की अब बेटी नहीं है, अगर वो चाहते तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज कराते, वो मरने के लायक नहीं थी। आप योगी जी से, मोदी जी से, यूपी पुलिस से कुछ कहना चाहते हैं अभी एक साल बाद, क्या बोलोगे आप? मैं योगी जी से, मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को एक साल हो गया इस घर में बंद रहे थे, तो इससे पहले हमारे पति भी बाहर काम करते थे, हम लोगों का अच्छे से चल रहा था, हमारे घर में हमारे ससुर भी भैंस वैंस पालते थे तो देवर भी काम करते थे, तो ये सब देख के अब सब कुछ ठीक ठाक था हमारे बीच में। तो अब जो हो रहा है, हम एक साल से यहाँ बंद रह रहे हैं, किसी ने कभी ये नहीं पूछा आके कि तुम लोग कैसे रह रहे हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। आज मैं इस चीज़ को कहना चाहती हूँ कि हमारे खेत में अनाज नहीं हुआ, वैसे खेत में गेहूं वगैरह हो जाते थे तो हमारा चलता रहता, तो फिर वैसे भी कर लेते थे। हमारे घर में गेहूं वगैरह भी नहीं है, आटा बंगा है, भैंस भी एक है, जिसको दी थी तो खाने पीने का थोड़ा बस, अब आगे कैसे चलेगा वो तो भगवान जाने, मगर इन लोगों से मेरी एक ही है कि जितनी जल्दी हो सके इस केस की उस पर पहुँचे कि न्याय मिले और हम लोग यहाँ से छूटे, जो हम यहाँ लोग बंद होकर रह रहे हैं, हम अपना भी जाके अपना काम धंधा करें, आगे बच्चों की भी लाइफ है, कि उन्हें भी ऐसे बंद करके हम लोग नहीं रख सक रहे हैं, क्योंकि बंद ही रहेंगे तो आगे चल के तो फिर सब कुछ बिगड़ ही जाएगा हम लोगों का। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free. और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।